पिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर पाकिस्तानी टीम में तब्दीलियों के हवाले से बोल पड़े हैं और कहा है कि ये तब्दीलियां होना तो ज़रूरी है अगर आपने वर्ल्ड कप में हल्का सा भी परफॉर्म करना है, कुछ बेहतर परफॉर्म करना है। जो आपकी शर्मनाक परफॉर्मेंस है, यानी पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है, बहुत ज़्यादा जलालत देखनी पड़ रही है पाकिस्तानी आवाम को। पाकिस्तानी आवाम बेचारे शर्मिंदा हैं, क्योंकि जो इंडिया में लोग बातें कर रहे हैं कि भाई आप ये टीम उठा के ले आए हो, ये टीम तो आपकी अफगानिस्तान से नहीं जीत सकती। सहवाग तो ये कह रहे हैं कि भाई अफगानिस्तान की टीम बीट कर जाएगी। उधर से नीदरलैंड की कोच कह रहे हैं कि भाई अगर हमें नज़र आ रही है ना टीम जो हम बीट कर सकते हैं तो वो पाकिस्तान है। यानी नीदरलैंड का कोच कह रहा है कि पाकिस्तानी टीम बीटेबल है, वो कह रहा है, वो मतलब के जो 10वें 12वें नंबर की टीम है वो कह रही है कि पाकिस्तान बीटेबल टीम है। यानी अंदाज़ा लगाओ कितनी बड़ी जलालत इन्होंने करवाई है। अब आमिर को अगर शामिल कर लेते, बेन स्टोक्स हो गया ना शामिल, बटलर ने मैसेज किया, रिटायरमेंट वापस ले लिया ना उन्होंने, तो आपने क्यों नहीं मैसेज किया इनको? आपको क्या इज़्ज़त कम हो जानी थी? अगर दूसरी जानब देखो तो शोएब अख्तर ने कहा कि आपके ना हसन अली बॉलिंग के काबिल हैं ना बैटिंग के काबिल हैं। वसीम जूनियर ने तो आज तक 5 टूर्नामेंट्स खेल ली हैं, 2 एशिया कप खेल ली हैं, 2 T20 वर्ल्ड कप खेल ली हैं, 1 ODI वर्ल्ड कप खेल लिया, तो उसने कोई परफॉर्म नहीं किया, तो वो कब परफॉर्म करके देगा? कोई ऐसा दिन आएगा जिस दिन वसीम जूनियर भी परफॉर्म करेगा? मुझे तो नहीं लगता कि वो परफॉर्म करेगा, ना वो परफॉर्म कर सकता है, ना पहले उसने कभी किया है। सो आप अपने दोस्तों को, अपने यारों को, अपने करीबी जो आपके जितने भी पर्चियां चलती हैं, 4 खिलाड़ी आपके वाइस कप्तान की मर्ज़ी के सिलेक्ट हो गए हैं, 6 खिलाड़ी कप्तान की मर्ज़ी के सिलेक्ट हो गए हैं, कुछ शाहीन की मर्ज़ी के हो गए हैं, यानी ये ऐसे मामला चलाने हैं तो बेहतर ये है कि आप घर में बैठ जाओ, पाकिस्तानी आवाम का अरबों रुपया ज़ाया ना करो। वैसे ही बड़ा गरीब मुल्क है, गरीब आवाम है। देखिए गरीब आवाम अपना पेट काट के इतनी बिजली महंगी टैक्स, वैसे तो बिजली की कोई कीमत नहीं है ना, मतलब कि ज़्यादा तो पैसे नहीं है बिजली के, 12-14 रुपए की यूनिट है, अब उस पर जब टैक्स लगता है तो वो 70 रुपए यूनिट हो जाती है। इसी तरह पेट्रोल जो है वो 100 रुपए 120 रुपए लीटर होना चाहिए, उस पर जब टैक्स लगता है तो वो 350 रुपए पहुँच जाता है। अब ये मामलात टैक्स किधर जा रहा है? इन खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपया दिया जा रहा है। अब इमाद वसीम को आपने शामिल नहीं किया, इमाद वसीम CPL का कप्तान, CPL में इसको कप्तानी दी है, लीडिंग वहाँ पर विकेट टेकर में भी शामिल है और लीडिंग रन स्कोरर में शामिल है। सबसे ज़्यादा छक्के किसने लगाए हैं? साइम अजूब ने। सबसे ज़्यादा चौके किसने लगाए हैं? साइम अजूब ने 39 चौके लगाए हैं, 28 छक्के लगाए हैं। सबसे ज़्यादा रन इसके हैं, 6 होप के 2-3 रन इससे ज़्यादा है, वरना हाईएस्ट रन स्कोरर है। सो जो डिज़र्विंग प्लेयर्स हैं वो आपने टीम से आउट कर दिए और जो पर्ची हैं वो आपने शामिल कर लिए हैं।